तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। यूपी के चीफ सेक्रेटरी आर के तिवारी आज नायक की भूमिका में नजर आए। फैसला ऑन द स्पॉट करने में विश्वास रखते हैं आर के तिवारी। आर के तिवारी ने खुद चेक किया नगर निगम का शिकायत रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर से नंबर लेकर खुद शिकायतकर्ताओं को फोन किया है। चीफ सेक्रेटरी ने खुद शिकायतकर्ताओं को फोन लगाया और चीफ सेक्रेटरी ने शिकायतकर्ताओं से पूछा भी है कि शिकायत करने के बाद एक्शन हुआ या नहीं हुआ। एक महीने में शिकायतकर्ता की शिकायत दूर नहीं हो रही, इसके लिए नगर निगम में अधिकारी जिम्मेदार हैं। दो अधिकारियों के सस्पेंशन का आदेश तुरंत नगर आयुक्त को दिया गया। तो चीफ सेक्रेटरी ने शिकायतकर्ताओं से भी पूछा कि शिकायत करने के बाद एक्शन हुआ या नहीं हुआ। दरअसल आज शिकायतकर्ताओं को सीधे फोन लगाया गया। शिकायतकर्ताओं की जो जानकारी रजिस्टर में दर्ज थी उनको फोन लगाया गया, उनसे पूछा गया कि आपने अगर एक महीने पहले यहां पर शिकायत की है तो आपकी शिकायत का निस्तारण हुआ नहीं हुआ या हुआ तो कैसे हुआ। तो तमाम जो जानकारी मिली वो हैरान कर देने वाली थी और खुद यहां पर आर के तिवारी ने यहां पर नाराजगी जताते हुए सीधे तौर पर उन जिम्मेदार व्यक्तियों को यहां सस्पेंड कर दिया है और इसके साथ ही साथ अपने एग्रेशन मोड का इस्तेमाल किया। पूरे शहर से खरीदारी करने पूरे पे ठेलियाँ लगे और यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, पाँच मिनट में ट्रेन ले जाते हो भैया भैया उधर पूरे दिन उधर से निकल जाओ ना। गाड़ियों की जगह पे सारी ठेलियाँ लगी, कम से कम यहाँ से वहाँ तक 70 ठेलियाँ लगी हैं और अब आपको समझ में आता है वो आम पब्लिक की जगह है जहाँ गाड़ी खड़ी करने की, वो जगह पर सारी ठेलियाँ पूरे दिन पब्लिक परेशान होती है। अब 5 मिनट में ट्रेन आती है, गाड़ी उठा के ले जाती है, उसके बाद 2000 रुपये का नहीं नहीं है, रोज उठ जाता वो या उठ जाता डेली। आज कहाँ से आया कूड़ा? ये मंडी का हाथ गिर दे लोडर तो उठा लेते, दो बार चलता ही रात को गिर जाते। इतनी बदबू आ रही है लकड़ी लड़की, उसके अंदर देखो कैसे ये बीमारी पड़ेगी, क्या होगा इस लड़की को देखो, ये मैं जानवर नहीं नहीं ठीक बात कह रहे हैं आप। नहीं ये कूड़ा, अच्छा कूड़ा जब आपने शिकायत की थी उसकी बात बराबर उठ रहा कि अभी भी कूड़ा नहीं उठ रहा आपके यहाँ से? नहीं आपने बताया ना कि आपने बताया कि आपने खुद उठाया कूड़ा, कूड़ा उठाने नगर निगम के लोग नहीं आए जी जी अच्छा कूड़ा उठाने आपके यहाँ रेगुलरली कोई आते हैं कि नहीं आते हैं नगर निगम से? नहीं गाड़ी आती है तो गाड़ी में कूड़ा उठा के ले जाते हैं ना। अच्छा 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 वो सड़क का कूड़ा होता है वो जी? अच्छा ठीक है, आपको जो असुविधा हुई उसके लिए हमें खेद है जी। नहीं नहीं बस मैंने इसलिए फोन किया क्योंकि आपकी शिकायत दर्ज थी, मैंने सोचा कि पूछूं आपसे कि आपका सेवा ठीक हुआ है। ठीक है धन्यवाद आपको। नहीं देखिए बताइए सतीश कुमार ने उससे कहा कूड़ा उठाने को तो उसने भैंस की कूड़ा उठाया नहीं, कूड़ा उन्होंने अपने आप उठाया सीवर अपने आप उठाया। इतनी शिकायतें जो आप यहाँ करते हैं लोग इतनी आती है तो बहुत चिंता की बात है, अगर बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं तो ये नगर निगम को बड़ा प्रश्न लगा पे था कि इतनी शिकायतें आ रही हैं। शाम भरोसे शर्मा जी बोल रहे हैं? अच्छा शर्मा जी कैसे हैं आप? मैं आर के तिवारी चीफ सेक्रेटरी यूपी बोल रहा हूँ, नगर निगम में आया हुआ हूँ
इंस्पेक्शन करने के लिए में आपने शिकायत की थी 22 अक्टूबर को कि बिजली की लाइन नहीं, बिजली नहीं, लाइट नहीं जल रही है। जी एक मिनट जरा, हाँ बताइए। हेलो, हाँ बताइए, क्या बिजली का शिकायत है? तो जब आपने शिकायत की उसके बाद कोई ठीक करने आया कि नहीं आया? आपने अब शिकायत की लाइट ठीक करने की, तो कोई ठीक करने आया कि नहीं आया? कोई नहीं आए अभी तक, नहीं आए जी। दो तीन बार आपने नगर निगम में भेजा, तो किससे बात हुई? कोई 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 अधिकारी या कर्मचारी के नाम मालूम है जिससे बात हुई आपकी? मनोज श्रीवास्तव? नहीं, मनोज श्रीवास्तव नगर निगम के हैं। किससे कहने गए थे? नहीं, विशंबर है कोई लाइट वाले? इंस्पेक्टर का नाम क्या है? विशंबर शर्मा। लेकिन लाइट अभी तक ठीक नहीं हुई? अच्छा, देखिए आपको बड़ा कष्ट हुआ उसके लिए मुझे खेद है, मैं अभी ठीक कराता हूँ, ठीक है ना? मैंने दो तीन शिकायत की बात की है, आप रिस्पॉन्स देख लीजिए क्या है ना। इलेक्ट्रिक वाले विशंबर शर्मा को सस्पेंड करिए। उसके पहले का नाम किसका था? इन्हीं के नाम था सतीश, सतीश शर्मा, सफाई इंस्पेक्टर। नहीं, सतीश शिकायत वाले थे, सतीश इंस्पेक्टर थे, सतीश इंस्पेक्टर सस्पेंड करिए। लेकिन आपके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आपकी शिकायत करने वाले का कोई पूछने वाला नहीं है। उसने मोबाइल नंबर दिया है, शिकायत कर रहा है, एक ही महीना हो रहा है, यह तो बता दीजिए। नहीं भाई, हमारी शिकायत तो नहीं हो सकती, हमारे पास ऐसी ये मांग है कि नहीं हो सकता है। लेकिन अब बिजली ठीक नहीं है, सीवर जाम है, कूड़ा पड़ा हुआ है, शिकायत पटल के प्रभारी है ना, प्रभारी का भी मांग करता हूँ, उनके खिलाफ भी उनको साक्षी, इसके इंचार्ज जो भी है शिकायत पटल के काम है ये। तो ये तस्वीरें आपने देखी और तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे कि आज चीफ सेक्रेटरी आरके तिवारी किस मूड में है। यहां पर एग्रेशन और एक्टिव मूड में नजर आए। तमाम व्यवस्थाओं का जायजा आज उन्होंने लिया। गाजियाबाद के अंदर प्रदूषण की बात करें, पर्यावरण की बात करें, कूड़े की स्वच्छता की बात करें, इन तमाम व्यवस्थाओं का जिक्र करते नजर आए। दरअसल पॉलीथीन पर सबसे पहले भड़क गए थे जब पॉलीथीन वहां पर दिखाई दी। उन्होंने पूछा कि जब पॉलीथीन प्रतिबंधित है तो फिर ये पॉलीथीन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है, कहीं ना कहीं जिला स्तर पर यहाँ पर सख्ती नहीं है, गाजियाबाद के अंदर सख्ती नहीं है। ऐसे में गाजियाबाद पहुंचे थे आरके तिवारी, नगर निगम पहुंचे, नगर निगम के पीछे वाली सड़क पर जब जाकर उन्होंने देखा तो वहां पर उनको कूड़े का अंबार नजर आया। इस पर भी ज्यादा भड़क गए। इसके बाद फल विक्रेताओं से उन्होंने वहां पर बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तो रोज का हाल यहां पर ऐसा ही रहता है। इसके बाद आरके तिवारी आग बबूला हो गए, तुरंत ही वहां पर नगर आयुक्त को फटकार दिया उन्होंने। इसके बाद की आगे वो वहां पर जाकर अंदर शिकायतकर्ताओं के जो रजिस्टर थे उसको खंगालने लगे। इसके बाद कुछ शिकायतकर्ताओं को उन्होंने फोन लगाया, उनसे बात की, जो हालात उन्होंने बयां किए। इसके बाद उन्होंने तुरंत ही वहां पर एक इंस्पेक्टर को और इसके अलावा एक जिम्मेदार व्यक्ति और हैं उनको भी यहां पर सस्पेंड कर दिया है। साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी ने यहां पर नगर आयुक्त की भूमिका को भी संदिग्ध मानते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं। फिलहाल आर के तिवारी ने खुद चेक किया नगर निगम के रजिस्टर को, शिकायत रजिस्टर को, और वहां पर शिकायत रजिस्टर के अंदर जो कंप्लेंट दर्ज थी उन सभी के हालात को भी जाना है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, गंदगी का अंबार देखकर भड़के हैं चीफ सेक्रेटरी नगर आयुक्त दिनेश को उन्होंने जमकर फटकार लगाई। यहाँ जो वेंडर्स हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की है, आम जनता से उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना है और ये भी समझने का प्रयास किया है कि यहाँ से कर्मचारी नगर निगम की बिल्डिंग सबसे सुंदर बिल्डिंग होनी चाहिए। यहाँ डाल सर, यहाँ जेल जो है यहाँ सड़क में फटा करते हैं।
यहाँ डालने थी किनारे आपके लोग जो है कूड़ा खा दो वहाँ डाल तो सब सड़क नाले की सीट तो उसको पहले उसका पानी निकाल के सीधे सीधा नहीं सर वो पूरा सड़क खराब करेगा सर ये बाल्मीकि बस्ती है नहीं ये सिस्टम ठीक नहीं आप तो डाली में डाली या फिर कहीं इसका अलग करिएगा ना ये सड़क में यहाँ भी अभी आप गंदगी बहुत सब झड़न झड़ लगी अभी चल रहा था सड़क पर डालने का सड़क बताया पड़ेगा सर आज ही बताई करके हेलो मंडी आया हूँ मंडी है सर यहाँ पे नगर आयुक्त हैं दिनेश चंद नगर आयुक्त दिनेश चंद को मुख्य सचिव ने लताड़ा ये अभी पाइप पड़े ना सर पाइप के बाद कूड़ा कितने उसका पॉलिथीन की पड़ी है ये सर इकट्ठा हुआ सर 10 बजे के बाद सारा भर के सर ले जाए गलियों में चला के सर अरे तुम्हें मिल रहा है ना लाइव गली बिल्कुल साफ औचक निरीक्षण से जमीनी हकीकत का पता लग पाया है। यूपी के कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी आर के तिवारी जो गाजियाबाद का औचक निरीक्षण करने पहुंचे और नगर निगम कर्मचारियों में अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ नजर आया। साफ तौर पर बौखलाहट उनके चेहरे पर नजर आ रही थी क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई भी की है जनता की समस्याओं को सुनाए शिकायतकर्ताओं से फीडबैक भी लिया उसके बाद बेहद गुस्से में नजर आए आर के तिवारी। तो फिलहाल के लिए टॉप एजेंडा में दीजिए इजाजत आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया नमस्कार।